आप बताओ, साउंड क्लियर आ रही है? अब साउंड है? अरे आवाज आ रही है मेरी, एक बार यस कर दो सब लोग। कल से कुछ टेक्निकल एरर हो जा रहा है। साउंड क्लियर है बता दो। ओके थैंक यू। अभिषेक आनंद जी वेरी गुड इवनिंग, ललन शाह जी गुड इवनिंग, नेहा राय गुड इवनिंग, रूपाली यादव जी गुड इवनिंग, लाकांक्षा गुड इवनिंग, ललन शाह जी, यश पूजा सिंह, छोटा बाबू गुड इवनिंग, कालीन भैया, अश्विनी कुमार, आकांक्षा एस, बिल्कुल बिल्कुल आकांक्षा, थैंक यू सो मच। और ऐसा करिएगा कि आप लोग का जो भी ग्रुप है ना, वहाँ पे लिंक शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे ग्रुप में नहीं जा सके थे, तो लिंक शेयर जरूर कर लीजिएगा सब लोग। ठीक, हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम चैनल पर। क्रैक ऑल बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम विद दस टॉप एडुकेटर क्वालिटी कंटेंट एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण, मेरे पास कुल 9 सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले करना क्या है आपको, अपने मोबाइल में एक लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है अनअकैडमी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अनअकैडमी की जहां तक बात करें तो टोटल 30 से ज्यादा कैटेगरीज पर ये अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी में जुड़ सकते हैं, हर एक कैटेगरीज के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल है। बैंक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो अगर आप 1 सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके लिए फी है टोटल 6,500, और अगर आप 2 सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके लिए फी है टोटल 7,800 रुपये। लेकिन जैसे आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे RPK10, याद रखिएगा, जैसे मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण, उसी से रिलेटेड ये कोड है RPK10। जैसे इस कोड को आप यूज करेंगे आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, और 1 साल के लिए जहाँ पर फी थी 6,500, वहाँ लाएंगे 5,850, और 7,800 रुपये जहाँ 2 सालों के लिए फी था वहाँ लाएंगे 7,020 रुपये। ठीक, तो सौरभ श्रीवास्तव जी वेरी गुड इवनिंग। आप लोग सभी अपने अपने ग्रुप पे, आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, हर जगह पर लिंक को शेयर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन है पहला, वैसे आज का बता दें कि आज का रिविजन सेशन है, मैंने बताया था आपको संडे टू संडे मेरा रिवीजन सेशन रहेगा, और 1 सप्ताह में जितना भी क्वेश्चन आया था वो तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक, कल सेशन नहीं चला था, ठीक है, कल किसी टेक्निकल इश्यू कारण सेशन नहीं हो पाया था। जॉन स्नो वेरी गुड इवनिंग। तो क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे, मानव बिरादरी का अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, जल्दी बताना इसका आंसर क्या होगा। 1 फरवरी, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। सेशन थोड़ा फास्ट चलेगा क्योंकि मैं आज बैठ के पढ़ा रहा हूँ, हर एक कॉमेंट पे मेरा ध्यान रहेगा, इसीलिए सोच समझ कर कुछ लिखना, उल्टा पुल्टा लिख कर डिलीट मत करना आज। ठीक, हाँ कल नहीं आए थे, ठीक है। रितेश कुमार ठाकुर सी, रवि प्रताप कंड डी, प्रीति मेहता सी, अक्षय कुमार सी सी, रिया मुस्कान डी, अभी सिंह सी, नमर आकांक्षा एस सी, शिवम निधि डी डी डी, नेहा राज सी, जॉन स्नो सी, संदीप सौरभ जी सी, नमर प्रथम राठौर वेरी गुड इवनिंग, कालीन भैया जी डी, उमर खान सी, पूजा सिंह फोर्थ, शिवांगी डी, अश्वनी, बजरंग दल डी, नंबर माधविन देवकुम सी 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 सी, निकिता कुमारी सी, माधविन देवकुम। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 फरवरी, मैंने आपको पढ़ाया था, एक संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मानव दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक, यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, सेक्रेटेरिएट सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटर्स, ठीक, महासचिव कहे जाते हैं ये, और करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया की तरफ से कौन है, तो टीएस त्रिमूर्ति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयशा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है, वह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है, बताइएगा आंसर जल्दी से, फटाफट आंसर बता दिया। आयशा अजीज
आप लोग अपना टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, हर जगह पर लिंक को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि आयशा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है, वह किस केंद्र शासित प्रदेश से है? पहला आंसर रिया मुस्कान डी, बजरंग दल डी, शिवांगी डी, प्रथम राठौर डी, अक्षय कुमार डी, शिवम निधि डी, रितेश कुमार ठाकुर डी, रवि प्रताप कंड डी, और जॉन स्नो डी, एम डी जावेद असगर जी डी, नंबर निकिता कुमारी डी, प्रीति मेहता डी, संतोष कुमार डी बी, अभी सिंह डी, उमर खान डी, आकांक्षा एस डी, नंबर संदीप सौरभ डी, गोविंद झा डी, नंबर अश्विनी कुमार डी, माधविन देवकुंभ जी डी, पूजा सिंह जम्मू कश्मीर, नेहा राज डी, माधविन देवकुंभ डी, छोटा बाबू डी, नंबर माधविन देवकुंभ डी, सोनम कुमारी ठाकुर जी डी, नंबर संदीप सौरभ, माधविन देवकुंभ जी डी नंबर। तो क्वेश्चन था आयशा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है, महिला पायलट बन गई सॉरी, वह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर की 25 वर्षीय आयशा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट है। 2011 में अजीज 15 वर्ष की आयु में लाइसेंस प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र का छात्र पायलट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो विंटर कैपिटल जम्मू, समर कैपिटल श्रीनगर, और गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा। जल्दी से बताते हैं आप फटाफट किसका किसका आंसर सही था। माधविन देवकुंड डी, उमंग कुमार डी डी डी, कालिन भैया डी डी डी। ठीक, तो क्वेश्चन का आंसर बताते जाएगा किसका आंसर सही था। उमंग कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग। आप लोग सेशन को अपने सारे ग्रुप में लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, हर जगह पर लिंक को शेयर कर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आयशा अजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसाम सीएम ने किस जिले राज्य के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया? डिब्रूगढ़, गोलपारा, सोनितपुर, मारुजी, मोरीगांव। क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि आसाम सीएम हैज इनॉग्रेटेड स्टेट फर्स्ट हेलीपोर्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो आंसर सही था उसमें पहला आंसर है रवि प्रताप कर्ण जी, ये हमारे ही कोई सहयोगी लग रहे हैं, बहुत अच्छे रवि प्रताप जी। शिवांगी, एम डी जावेद असगर जी, उमर खान, जॉन स्नो, पायल दुबे, कालीन भैया, प्रथम राठौर, अभि सिंह, नेहा राज, अश्विनी कुमार, निकिता कुमारी, सोनम कुमारी ठाकुर, माधवीन देवकुंभ, उमंग कुमार। अब क्या बता रहे, तो माधविन क्या चाह रहे हो कि हम खुशी खुश सुना रहे हैं, रोते रहे हैं? कुछ भी कमेंट करते हो यार। तो आसाम जिले ने किस राज्य किस जिले की हेलीकॉप्टर हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, और पहला आंसर है रवि रेणुका, माधविन देवकुम, प्रथम राठौर, कालीन भैया, अभि सिंह, पूजा सिंह, गोविंद झा, रिया मुस्कान, एम डी जावेद असगर, रवि प्रताप कर्ण, नेहा राज, संदीप सौरभ, अश्विनी कुमार, उमर खान, बजरंग दल, शिवांगी, जॉन स्नो, छोटा बाबू, निकिता कुमारी, कालीन भैया, प्रीति मेहता। ठीक, विनोद शर्मा, रिया मुस्कान, प्रथम राठौर, उमंग कुमार, माधविन देवकुम जी जी जी, कोई रवि प्रताप कर्ण जी हैं, मेरे ही नाम से आए हैं, लिख रहे हैं सर फैन है सर आपके हम। भैया हम बता दें हम अपने नाम के एसी हैं अगर आप हमारे फैन हैं तो। माधवी देवकुंभ जी डी नंबर, कृति सिंह डी। ठीक, अगस्त मंथ में, वैसे हम आपको बता दें अगस्त मंथ में मुझे एक अवार्ड मिला था मोस्ट इंगेजिंग एडुकेटर का, जिसमें कि आज उसका रिवॉर्ड जो है वो मुझे मिल गया अनअकैडमी की तरफ से, और ये एप्पल के फोन मुझे मिले हैं, मैं बहुत खुश था इसे लिए कि मुझे मोस्ट इंगेजिंग एडुकेटर का जो अवार्ड मिला था अगस्त मंथ में लॉकडाउन के दौरान, तो उसका जो है वो रिजल्ट आज आ गया। उस समय तक मेरे पास सर्टिफिकेट था और अब मुझे अनअकैडमी की तरफ से गिफ्ट किया गया है, तो थैंक यू सो मच अनअकैडमी, और आप सभी इस पार्ट से जुड़े हुए हैं तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच जो जॉन स्नो, संदीप सौरभ जी, प्रथम राठौर, थैंक यू सो मच अंकित अमन पटेल जी, जॉन स्नो, गोविंद झा, थैंक यू सो मच गोविंद, बहुत दिनों के बाद आप सेशन में आए हो, संदीप सौरभ, एम डी जावेद असगर, कालीन भैया जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सो मच।
तो इसका आंसर हो जाएगा मजूली। आते क्वेश्चन पे हो गया, आते हैं क्वेश्चन पे। बिल्कुल बिल्कुल रवि प्रताप करण जी, आपको तो हम पार्टी देंगे। मुझे तो लग रहा है कि मैं ही वहां हूं, मैं अपना नाम खुद पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, और फर्स्ट टाइम ऐसा मौका मिला है कि मैं अपना नाम खुद से पढ़ रहा हूँ। ठीक, ये मेरी कोई समकक्ष ही है लग रहा है। या मुस्कान जी थैंक यू, अभिषेक थैंक यू, अक्षय कुमार जी, उमंग कुमार, उमर खान, आकांक्षा एस, थैंक यू सो मच। देखिए ये सब आपके कारण संभव हो पाता है। ठीक, आप लोग पढ़ते हैं तो हम पढ़ाते हैं। भक्त जो है वो उसी से भगवान है और शिष्य से ही गुरु है। ठीक, तो आप लोग पढ़िए, रिजल्ट ले लीजिए, ये हमारे लिए और अच्छा लगेगा। यानी कहने का मीनिंग कि एक गमला है जिसमें कि मैंने पौधा लगाया और फूल खिल गया, तो कितनी खुशी मिलेगी मुझे बताइए। यानी कि अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ और अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक, ये रिजल्ट जो है वो सामने दिखता है। तो आप सभी जो है एक गमले के फूल हैं जिसको मैंने लगाया है, तो आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आप सभी का रिजल्ट 2021 में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे आसाम की बात करें तो कैपिटल्स है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर सर्वानंद सोनेवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुरजीत सिंह देसवाल, ऋषि कुमार शुक्ला, राकेश अस्थाना, एपी महेश्वरी और प्रवीण सिन्हा। थैंक यू सो मच संदीप सौरभ जी। अच्छा, मेरा कॉपी है। चलिए थैंक यू सो मच। चलिए सेशन आंसर दीजिए, आंसर बताइए। रिया राज, वेरी गुड इवनिंग। रवि रेणुका, ई नवर गोविंद झा, बी कालीन भैया, ई रिया मुस्कान, ई आका आंसर आंसर बताओ फटाफट। आकांक्षा एस, ई प्रीति मेहता जी, ई प्रथम राठौर, ई कालीन भैया, ई ई रवि प्रताप कर्ण जी, ई नंबर। बहुत अच्छा लगता है रवि प्रताप कर्ण बोलने में, अपना नाम खुद से लेने में बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। भैया आप डेली लाइव आओ सेशन में। ठीक, तो प्रीति मेहता, ई प्रथम राठौर, ई कालीन भैया, ई रवि प्रताप कर्ण, ई अक्षय कुमार, बी नंबर अभिषेक, ई मुकुल खांडेवाल जी, बी नंबर एमडी जावेद असगर, ई नंबर सन शिवम निधि, ई शिवांगी, ई नंबर अंकित अमन पटेल, सी रिया राज, सी नंबर अंकित अश्विनी कुमार, ई नंबर माधवी देवकुंड, ई नेहा राज, ई पूजा सिंह, बी नंबर उमर खान, ई अनिकिता कुमारी, ई कालीन भैया, ई जॉन स्नो, ई अनम मली, ई उमंग कुमार, संदीप सौरभ, सोनम कुमारी ठाकुर, पूजा सिंह, कालीन भैया, संदीप सौरभ, माधवी देवकुंड, कालीन भैया, माधवी देवकुंड, छोटा बाबू, संदीप सौरभ, एमडी जावेद असगर, ई रवि प्रताप कंद जी। जरूर 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 आइए, अपना नाम पढ़ पढ़ के मुझे खुशी मिलती है अंदर से। माधवीन देवकुम जी, ई नंबर। आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा प्रवीण सिन्हा। यानी क्वेश्चन था कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। आपको बता दें इसका आंसर क्या होगा, प्रवीण सिन्हा। यानी कि सरकार ने गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी प्रवीण सिन्हा को सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंतरिम निदेशक यानी कि इंटरिम डायरेक्टर के रूप में बात करें तो नियुक्त किया है। सरकार द्वारा इस निर्णय की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात की बात करें कैपिटल गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ठीक, थोड़ा सा अब हम लोग फास्ट चलते हैं क्योंकि आज जो है मुझे पूरा 1 वीक कंप्लीट कर लेना है। सेशन थोड़ा लंबा चलेगा आज, 1 घंटे 1.5 घंटे। भूख लग जाए तो बीच में खाना खा लीजिएगा, कान में आप ईयरफोन लगाइएगा और लाइव रहिएगा हमेशा। ठीक, तो भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई? यूएई, किंगडम ऑफ बहरीन, रिपब्लिक ऑफ बेलारूस, रशिया और यूके। बताइएगा आंसर क्या होगा। रवि रेणुका, बी नंबर, कालीन भैया जी, बैच 1986। बहुत बढ़िया कालीन भैया, बी नंबर, या मुस्कान, बी कालीन भैया, बी शिवम निधि, बी कालीन भैया, बी निकिता कुमारी, बी ठीक संदीप सौरभ जी, बी प्रथम राठौर, बी पूजा सिंह, बी रवि प्रताप कर्ण जी, बी नंबर नेहा राज, बी अश्विनी कुमार, बी। देखो बहुत लोग आंसर, उतना नाम मैं नहीं ले सकता, अगर नाम नहीं ले पाया तो आप क्षमा करिएगा मुझे। ठीक, लेकिन आंसर होगा इसका बी नंबर, किंगडम ऑफ बहरीन। आप जल्दी से इमोजी के माध्यम से बता दीजिए कि बी नंबर कितने लोगों का आंसर आया था। बी नंबर, बी नंबर आंसर कितने लोगों का आया था, जल्दी से बता देना सब लोग। पहला हाथ करा कि शिवम निधि, बहुत बढ़िया शिवम।
संदीप सौरभ, एमडी जावेद असगर, अनम अली, अंकित अमन पटेल, अक्षय कुमार, रिया राज, शिवांगी रवि प्रताप कर्ण, प्रथम राठौर, उमर खान, अभि सिंह, नेहा राज, अश्विनी कुमार। तो क्वेश्चन था कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। इसका आंसर हो जाएगा किंगडम ऑफ बहरीन। प्रताप कर्ण, प्रथम राठौर, उमर खान, अभि सिंह, नेहा राज, अश्विनी कुमार, सोनम कुमार ठाकुर, छोटा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखो ये सारा क्वेश्चन जो हम डिस्कस करा चुके हैं, सारा क्वेश्चन पे डिस्कशन हो चुका है, बस आप आंसर बताते जाइए जल्दी फटाफट। एक सप्ताह यानी कि वन वीक में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं आज सबका हम लोग रिविजन कर लेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन है कि 2020 के डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग। 2020 के डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है। 51वां, 53वां, 57, 55 और 59। जल्दी से फटाफट आंसर देते जाओ सब लोग, आंसर क्या होगा। थोड़ा स्पीड स्पीड बढ़ाइए आप लोग प्लीज, आज पूरा वन वीक कंप्लीट कर लेना है, ठीक। आपको बता दें इसका आंसर है 53वां, यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स के मामले में भारत का रैंक 53, यानी कि 53वें नंबर पर आता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 53वां नंबर, तो बताइएगा कि आंसर नंबर बी कितने लोगों का था। जल्दी से हाथ खड़ा करो, बी नंबर आंसर कितने लोगों का था। बी नंबर आंसर एमडी जावेद असगर, अभि सिंह, संदीप सौरभ, जॉन स्नो, अक्षय कुमार, आकांक्षा एस, रवि प्रताप कर्ण। पहली बार ऐसा मौका मिला कि अपनी नाम को मैं इतने अच्छे से उच्चारण कर रहा हूं, नहीं तो आप ही लोगों का नाम लेते रह जाता था। उमर खान, रिया राज, शिवांगी, अंकित अमन पटेल, शिवम निधि, प्रथम राठौर, नेहा राज, सोनम कुमारी राठौर, सोनम कुमारी ठाकुर या मुस्कान, अश्विनी कुमार, धीरा सिंह, कालीन भैया, उमंग कुमार, मुकुल खांडेवाल जी, कृति सिंह। बहुत बढ़िया कृति, गुड इवनिंग। इसका आंसर हो जाएगा 53वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज द टीन हेल्थ प्रोग्राम नेम्ड उड़ान तारा स्टार्टेड, यानी कि उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहां से शुरू हुआ है। अलवर, जयपुर, धौलपुर, जोधपुर और उदयपुर। सुनम कुमारी ठाकुर या मुस्कान, सुनील कुमार, धीरज सिंह, कालीन भैया, प्रताप कर्ण सी नंबर, अभिवेक सी। जल्दी 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 फटाफट आंसर बता दिया। क्वेश्चन था कि वेयर हैज द टीन हेल्थ प्रोग्राम नेम्ड उड़ान तारा स्टार्टेड, उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहां से शुरू हुआ है। उड़ान तारा नामक किशोर कार्यक्रम कहां से शुरू हुआ, अलवर, जयपुर, जोधपुर, धौलपुर और उदयपुर। क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन का आंसर बताते जाओ, सब लोगों ने आंसर दे दिया लगभग। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, धौलपुर। तो बता दो सी नंबर आंसर कितने लोगों का है, सी नंबर धौलपुर। जल्दी से हैंड रेज करना, सी नंबर आंसर कितने लोगों ने दिया। उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहां शुरू हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा धौलपुर, धौलपुर सी नंबर। राजस्थान के धौलपुर जिले के बारी ब्लॉक से जिला कलेक्टर श्री राकेश कुमार जायसवाल के नेतृत्व में उड़ान तारा नामक एक अनोखा किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। आंसर जो आया है उसमें अनम अली, आकांक्षा एस, अभि सिंह, रवि प्रताप कर्ण, जॉन स्नो, रिया राज, संदीप सौरभ, शिवांगी, उमर खान, प्रथम राठौर, कीर्ति सिंह, अक्षय कुमार, उमंग कुमार, अश्विनी कुमार, रिया मुस्कान। आज पता है ना बैठ के पढ़ रहा हूँ, किसी का कॉमेंट छोड़ूंगा। सोनम कुमार कुमारी ठाकुर। राजस्थान की बात करें तो इसका कैपिटल है जयपुर, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, गवर्नर है कालराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जल्दी से आंसर बताइएगा। प्रथम राठौर, कृति सिंह, अक्षय कुमार, उमंग कुमार, सुनील कुमार या मुस्कान, सोनम कुमारी राठौर, कालीन भैया जी। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन था कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल। अजय सिंह, अजय कुमार,
ये प्रभजीत सिंह, अनुज अग्रवाल, एस एन सुब्रमण्यम। देखो कुछ लोग आंसर सही भी नहीं रहता फिर भी हाथ खड़ा कर देते हैं, ऐसा नहीं करिए प्लीज, अपने प्रति ईमानदार रहिए। ठीक, तो क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अजय सिंह, अजय कुमार, प्रभजीत सिंह, अनुज अग्रवाल, एस एन सुब्रमण्यम। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक, आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा एस एन सुब्रमण्यम। अब बताओ कि ई नंबर आंसर कितने लोग आया है? एस एन सुब्रमण्यम, ई नंबर आंसर कितने लोगों ने दिया है? एस एन सुब्रमण्यम को 3 वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक, एस एन सुब्रमण्यम, तो ई नंबर आंसर कितने लोग आया है जल्दी से बताइएगा। रवि प्रताप कर्ण जी, बहुत अच्छा, सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, बहुत अच्छा, आप मेरे पूरे अनुयायी लग रहे हैं और आपका नाम पढ़ने में मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरा नाम है। अनाम अली, उमंग कुमार, शिवांगी, एमडी जावेद असगर, अश्विनी कुमार, मुकुल खांडेवाल जी, रिया जेड, अभि सिंह, अंकित अमन पटेल, रवि प्रताप कर्ण, जॉन स्नो, प्रथम राठौर, उमर खान, कृति सिंह, अक्षय कुमार, कालीन भैया, आकांक्षा एस, रिया मुस्कान, अक्षत रस्तोगी और उमंग कुमार। अक्षत रस्तोगी जी, वेरी गुड इवनिंग, इसका आंसर हो जाएगा एस एन सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बताइएगा आंसर क्या होगा। अच्छा अच्छा मेरा नाम ही इतना अच्छा है, चलिए बहुत बढ़िया भैया, धन्यवाद, आप डेली आइए सेशन में, मुझे अपना नाम भी लेने का मौका मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ गूगल क्लाउड, यानी गूगल क्लाउड के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुंदर पिचाई, या कृतिका रेड्डी, मनीष महेश्वरी, विक्रम सिंह बेदी और अभिजीत बोस। जल्दी जल्दी फटाफट आंसर बता दिया सब लोग, देखो तो जितना जल्दी आंसर करोगे ना उतना जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे, क्योंकि ये सब सारा हो चुका है, 1 सप्ताह का एक रिवीजन चल रहा है और संडे टू संडे मेरी कोशिश होती है कि पूरे 1 वीक का रिवीजन करा दिया जाए और ये आपको दे भी दिया जाए। ठीक है, एमडी जावेद असगर, कीर्ति सिंह, मुकुल खांडेवाल जी, डी 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 डी, सब लोगों ने लगभग लगभग डी 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 आंसर दिया है, तो देखते हैं आंसर इसका डी नंबर विक्रम सिंह बेदी, यानी कि गूगल क्लाउड के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम सिंह बेदी। आप सभी को बता दें जून के बाद, जुलाई से हम सभी को गूगल क्लाउड के लिए पैसा पे करना पड़ेगा। अभी जो आपके कुछ फोटो हैं जो कि आप एंड्रॉइड फोन से लेते हैं, वो फोटोज ऑटोमेटिकली चला जाता है कहाँ, तो गूगल क्लाउड पे, जो फोटोज ऑप्शन में आपको वो फोटो मिल जाता है 2015, 2016, 17, ये फ्री में नहीं मिलेगा। यानी कि गूगल क्लाउड जो है अब जुलाई मंथ से ऐसा होने जा रहा है, आप सभी को गूगल क्लाउड के लिए पे करना पड़ेगा। ठीक, और गूगल क्लाउड के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है विक्रम सिंह बेदी, और आंसर जो सही सही आया है वो है संदीप सौरभ, अनामिका पाठक, दिनेश कुमार, रवि प्रताप कर्ण, शिवांगी, अनम अली, ललन शाह। थैंक यू ललन, लेकिन रिजल्ट भी देखो, ठीक है, हम तो अच्छे हैं ही ललन, लेकिन आप रिजल्ट दे दोगे तो आप बहुत अच्छे हो जाओगे, हम अच्छे हैं तो आप बेहतर हो जाओगे। अश्वनी कुमार, उमंग कुमार, जॉन स्नो, उमर खान, अक्षय कुमार, अभि सिंह, सोनम कुमारी राठौर, प्रथम राठौर। इसका आंसर हो जाएगा विक्रम सिंह बेदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिजिटल पेमेंट सिस्टम इज शटिंग डाउन इट्स डोमेस्टिक बिजनेस इन इंडिया फ्रॉम अप्रैल 1, 2021, यानी 1 अप्रैल 2021 के बाद भारत में कौन सी डिजिटल भुगतान प्रणाली अपना घरेलू कारोबार बंद कर रही है? क्वेश्चन का आंसर बताना फटाफट, आंसर बता दिया। पहला आंसर देखिए रवि प्रताप कंज जी दिए, बहुत बढ़िया। दूसरा आंसर रवि रेणुका, रवि वाले लोग, नाम के लोग जो है ना वो टॉप कर रहे हैं आज। शिवांगी, बी नंबर, दिनेश कुमार, बी बी बी, प्रथम राठौर, डिलीटेड, चंदन राणा, पेपल, अश्विनी कुमार भी, आकांक्षा एस, बी 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 बी, मैक्सिमम लोगों ने बी आंसर दिया। तो क्वेश्चन था 1 अप्रैल 2021 से भारत में कौन सी डिजिटल भुगतान प्रणाली अपना घरेलू कारोबार बंद कर रही है? आपको हम बता दें, छोटा बाबू जी ये कौन सा आंसर था आपका? अच्छा, सिंबॉल बना के भेजा आपने। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा पेपल। ठीक, पेपल, पेपल को जो है वो बंद किया जा रहा है। रवि प्रताप कर्ण जी, बस आपकी कृपा है सर,
बहुत बहुत बढ़िया। ठीक, रवि प्रताप करण जी, आप रिजल्ट भी जरूर दीजिएगा। अगर आप मेरे नाम से आए हैं तो मेरे नाम की मर्यादा को बनाए रखिएगा, और उम्मीद है कि 2021 में आप रिजल्ट जरूर देंगे। ठीक, इसका जो सही सही आंसर आया है वो है कालीन भैया, कृति सिंह, अश्विनी कुमार, प्रथम राठौर, रिया जेड, उमर खान, प्रणव प्रकाश, निकिता कुमारी। तो क्वेश्चन था कि 1 अप्रैल 2021 से भारत में कौन सी डिजिटल भुगतान प्रणाली अपना घरेलू कारोबार बंद कर रही है। इसका आंसर हो जाएगा पेपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस की अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन का आंसर बताना, 4 फरवरी, 5, 6, 7, 8। रिया राज, संदीप सौरभ, सोनम कुमारी, राठ ठाकुर, शिवांगी, अभी सिंह, मुकुल खांडेवाल जी, अनम अली, रवि प्रताप करण जी। जरूर, थैंक यू सो मच रवि प्रताप करण जी। अक्षत जी का एक क्वेश्चन है कि सर मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बहुत बढ़िया अक्षत जी, मैंने बैंक पीओ करना चाहता हूँ सर, और लॉकडाउन के बाद बिल्कुल स्टडी नहीं हो पा रही है, बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ। अक्षत जी कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस क्या करिए, एक प्रीवियस पेपर का सेट लीजिए, डेली एक सेट बनाइए पहला, दूसरा एक न्यूज़पेपर पढ़िए डेली। ये काम अगर आप रेगुलर करते हैं आधी समस्या आपकी यहाँ से दूर है। ठीक, दूसरी चीज है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, और वहां पर आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट के फैकल्टी मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी खास बात क्या है अनअकैडमी लर्निंग ऐप की, कि यहाँ पर मान लीजिए कि कोई मैथ्स का एडुकेटर या कोई जीए का एडुकेटर ही ले लेते हैं, अगर आपको इनकी चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप दूसरे एडुकेटर की भी क्लास कर सकते हैं, दूसरे की नहीं समझ में आ रही तो तीसरे एडुकेटर, तीसरे की नहीं समझ में आ रही तो चौथे एडुकेटर, यानी जिस किसी एडुकेटर की क्लास आपको समझ में आएगी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपके मोबाइल फोन में रहना जरूरी है। तो डेली का एक न्यूज़पेपर और डेली का एक प्रीवियस पेपर आपको बनाना है, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का हो, और सेशन में लाइव रहा करिए। क्वेश्चंस की जो जितने भी क्वेश्चन है आपको बता दें, जीरो लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक जितने भी क्वेश्चंस आर आईबीपीएस रिसर्च कर रहा है या करता है, ठीक, वो सारा क्वेश्चन पहले ही आपको मिल जाता है यहाँ। और सबसे खास बात क्या है कि 24 आवर्स क्लासेस चलती है, 24 आवर्स क्लासेस चलती है अनअकैडमी पे। तो इसके बाद डिपेंड करता है कि आपके अंदर एनर्जी कितनी है, आप कितना पढ़ पाते हो। तो ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप चाहें तो जब चाहें, दिन चाहे रात चाहे, सुबह में हो शाम में हो, पार्क में टहलते हुए, घूमते हुए हो, खाना खाते हुए, कान में आप हेडफोन लगाइए और शुरू हो जाइए। ठीक, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, वहां से आप क्लासेस करिए, एक प्रीवियस पेपर डेली सेट और एक न्यूज़पेपर। अगर आप इतना करते हैं अक्षत जी, तो फिर से जो है रिदम में आप आ जाएंगे और आपकी रिजल्ट आ जाएगी। ठीक, बस इतना करिएगा, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। एक लॉकडाउन था, पढ़ाई बहुत लोगों की छूट गई थी, फिर से सब लोग आ गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 फरवरी, यानी सी नंबर आंसर कितने लोगों का सही था बताइएगा। सी नंबर आंसर कितने लोगों ने दिया था। जीए के लिए अक्षत रस्तोगी जी, आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे नाम से, मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण, आप मुझे वहां फॉलो कर लीजिए, मैं जीए सब्जेक्ट के लिए गारंटी लेता हूं पूरा। ठीक, अश्विनी कुमार, प्रथम राठौर, शिवांगी, अनम अली, अभी सिंह, मुकुल, दिनेश कुमार, अंकित, अमन पटेल, अक्षय कुमार, रवि प्रताप कर, निकेश कुमार, उमर खान, कालीन भैया, रिया मुस्कान, रिया जेट, छोटा बाबू, उमंग कुमार, सोनम कुमारी राठौर, चंदन कुमार राणा जी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि ब्यूटीफुल थिंग्स शीर्षक से उनके संस्मरण को कौन प्रकाशित करेगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है, हु विल पब्लिश हिज मेमोयर टाइटल ब्यूटीफुल थिंग्स। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ब्यूटीफुल थिंग्स शीर्षक उनके संस्मरण में कौन प्रकाशित करेगा, हंटर बिडेन या बेव बिडेन, एसले बिडेन, हेले बिडेन या कैथलीन बिडेन। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइएगा, आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ब्यूटीफुल थिंग्स शीर्षक से उनके संस्मरण को कौन प्रकाशित करेगा, हंटर बिडेन, बियो बिडेन, असले बिडेन, हैले बिडेन और कैथलीन बिडेन।
इसका आंसर है ए नंबर, हंटर बिडेन। बताइएगा ए नंबर आंसर कितने लोगों ने दिया था, ए नंबर आंसर कितने लोग आया था? अरे ईमानदारी से बता दो खुद से आंसर। अब शायद हम क्लियर आपको दिख रहे होंगे। तो सही आंसर था उसमें थे निकिता कुमारी छोटा बाबू, उमंग कुमार, अभी रेणुका, शिवम, निधि, प्रथम राठौर, अश्विनी कुमार, पापा का हेलीकॉप्टर, चाबुक, बैठेंद्र, रवि प्रताप, कर्ण, चंदन कुमार राणा, शिवांगी, दिनेश कुमार, अनामली, कालीन भैया, निकेश कुमार, उमर खान, नेहा राज, रिया मुस्कान, छोटा बाबू, उमंग कुमार, प्रीति मेहता, अभिषेक आनंद। वेरी गुड इवनिंग अभिषेक आनंद जी, कालीन भैया, अंकित, अमन पटेल। इसका आंसर है हंटर बिडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, ये ने आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल थिंग्स मेमोर, हंटर बिडेन ने लिखा है, जियो बिडेन के लड़के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन नेम्ड स्विच दिल्ली टू प्रमोट ई व्हीकल्स। जल्दी से आंसर बताइएगा, ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली नाम से एक अभियान किसने चलाया है? नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, अमित शाह, हर्षवर्धन या पीयूष गोयल? क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, आंसर क्या होगा? अभिषेक आनंद जी हेलो, गुड इवनिंग। आंसर सब लोग फटाफट देते जाओ। क्वेश्चन था कि हु हैज लॉन्च्ड ए कैंपेन नेम्ड स्विच दिल्ली टू प्रमोट ई व्हीकल, ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली नाम से अभियान किसने चलाया है? कोई आए हैं, उनका नाम है पापा का हेलीकॉप्टर। बहुत बढ़िया भाई, आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, अरविंद केजरीवाल। यानी कि ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली नाम से एक अभियान शुरू किया गया, किसके द्वारा? तो बी नंबर अरविंद केजरीवाल। ठीक, बताओ ना बी नंबर आंसर कितने लोगों ने दिया था। तो क्वेश्चन है कि ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली नाम से एक अभियान किसने चलाया है? जो सही आंसर है उसमें आ रहे प्रथम राठौर, अश्विनी कुमार, रिया मुस्कान, उमर खान, अनामिका पाठक, नेहा राज, अनम अली, निकेश कुमार, शिवम निधि, शिवांगी, रवि प्रताप, कर्ण जी, अक्षय कुमार, चंदन कुमार राणा। नाम भी रख लिया पापा का हेलीकॉप्टर। दिनेश कुमार जी, आज बहुत गर्मी बढ़ रही है, ठीक है, हो सकता है मुझे गर्मी ज्यादा लग रही हो। रिया मुस्कान, मुकुल खांडेवाल जी। इसका आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज रिस्ट अ लैंडमार्क एग्रीमेंट टू बिल्ड वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी हब। यानी क्वेश्चन है कि विश्व का पहला एनर्जी हब बनाने के लिए कौन सा देश एक ऐतिहासिक समझौते पर पहुंच गया है? इंडिया, टर्की, डेनमार्क, जापान और चाइना। जल्दी से आंसर बताना, आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन था आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज रिस्ट ए लैंडमार्क एग्रीमेंट टू बिल्ड वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी हब। यानी कि विश्व का पहला एनर्जी हब बनाने के लिए कौन सा देश ऐतिहासिक समझौते पर पहुंच गया है? इंडिया, टर्की, डेनमार्क, जापान और चाइना। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, डेनमार्क। तो बता दो सी नंबर आंसर कितने लोगों ने दिया है? डेनमार्क, सी नंबर। डेनमार्क ने उत्तरी सागर दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप होने का दावा करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर पहुंच गया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के स्वामित्व वाला ऊर्जा हब
उत्तरी यूरोप में जूटलैंड प्रायद्वीप से 800 किलोमीटर दूर एक कृत्रिम द्वीप होगा? ठीक, तो आंसर जो सही सही आया है वो है प्रथम राठौर अनामली, अश्विनी कुमार मुकुल खांडेवाल, चंदन कुमार राणा, शिवांगी उमंग कुमार, उमर खान, रिया मुस्कान, छोटा बाबू, नेहा राज, कालीन भैया, निकेश कुमार, शुभम निधि, उमंग कुमार। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्पेस एजेंसी इज प्लानिंग टू लॉन्च ए रोबोटिक मार्स आइस मैपिंग मिशन? क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी एक रोबोट मंगल ग्रह बर्फ मानचित्रण मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? इसरो, स्पेसएक्स, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा और जाक्सा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच स्पेस एजेंसी इज प्लानिंग टू लॉन्च ए रोबोटिक मार्स आइस मैपिंग मिशन, यानी कि कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दिनेश कुमार जी, रवि प्रताप कर्ण जी गायब नहीं, रवि प्रताप कर्ण जी हैं, लाइव है, उन्होंने ऑप्शन नंबर डी भी दिया। आज आज सबका जो है ना कमेंट दिख रहा है, इसीलिए कुछ लिखने से पहले बचना, ठीक, खड़े होकर पढ़ाते हैं तो कुछ कमेंट्स जो है वो स्कीप भी हो जाता है। दिनेश कुमार जी, रवि प्रताप कर्ण जी लाइव हैं, ये मेरे सहयोगी सहपाठी, इनका नाम लेकर के मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन है कि विच स्पेस एजेंसी इज प्लानिंग टू लॉन्च रोबोटिक मार्स आइस मैपिंग मिशन? आपको बता दें कि इसका आंसर है नासा, डी नंबर, डी नंबर आंसर है नासा। जल्दी से बताओ कि डी नंबर आंसर कितने लोगों का है? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, चिंतित नहीं हो रहा है कोई, आंसर बताइए सब लोग जल्दी से, इधर उधर एक भी बातें नहीं करनी आज किसी को भी। ठीक, अना मल्ली, प्रथम राठौर, अंकित, अमन पटेल, कितने लोगों का सही था नासा? पापा का हेलीकॉप्टर नाम से कोई आए हैं, एक लिख रहे हैं नासा किताब से करो बीमारी सफलता की लगे। अच्छा, नशा, नशा होता है पापा का हेलीकॉप्टर जी, नशा नहीं होता है। वैसे आपने लिखी बहुत अच्छी चीजें हैं। ठीक, कुर्ती सिंह, उमर खान, शिवांगी, निकेश कुमार, नेहा राज, कालीन भैया, रवि प्रताप कर्ण जी, दिनेश कुमार, अभिषेक आनंद। तो क्वेश्चन था कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी एक रोबोट मंगल ग्रह बर्फ मानचित्रण शुरू मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नासा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, 45वां कोलकाता अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला इस वर्ष के किस महीने में आयोजित किया जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन्होंने नाम ही रख लिया पापा का हेलीकॉप्टर, लेकिन लिखते अच्छा है और आंसर बढ़िया दे रहे हैं। प्रणव मिश्रा सर जी, वेरी गुड इवनिंग। अंकित तमन पटेल, रवि रेणुका ए नंबर, अश्विनी कुमार ए, पापा का हेलीकॉप्टर जुलाई। अरे भाई नाम थोड़ा ढंग से रख लो, पापा का हेलीकॉप्टर रख लो तो कैसे काम चलेगा। तो क्वेश्चन था, द 45th कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर विल बी हेल्ड इन विच मंथ ऑफ दिस ईयर? यानी कि 45वां कोलकाता अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला इस वर्ष के किस महीने आयोजित किया जाएगा? जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आंसर जो आया है उसमें है पापा का हेलीकॉप्टर जुलाई, निकेश कुमार ए, कृति सिंह ए, रोशन राज ए, रवि प्रताप कर्ण ए, प्रथम राठौर ए, नेहा राज ए, उमर खान ए, पापा का हेलीकॉप्टर जुलाई, अनम अली ए, कालीन भैया जी ए, और प्रथम मिश्रा सर जी ए नंबर। थैंक यू सर, पापा का हेलीकॉप्टर चलाए। अरे नाम थोड़ा ढंग का रख लो, पढ़ने में भी बार बार नहीं बन रहा है। पापा का हेलीकॉप्टर, छोटा बाबू जुलाई, नाम का पाठक ए, रवि प्रताप कंजी जी, प्रणाम प्रणाम सर, अच्छा जानते हो उनको, दिनेश कुमार जी सर, अच्छा। वाह बहुत बढ़िया, इन्होंने कहा कि शेक्सपियर ने बोला कि नाम में क्या रखा, अच्छे कर्म होना चाहिए, बहुत बढ़िया। चलिए आपका यही नाम जो है ना मैं बार बार उच्चारण करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर है जुलाई, और आपको बता दें नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताओ। देखो ये सारा क्वेश्चन डिस्कशन हो चुका था, बस आज जो है संडे था तो हम सोचे कि 1 वीक जो है इसका रिविजन करा दिया जाए,
एक सप्ताह में जितने भी क्वेश्चन आए सबका रिवीजन आज करा दिया जाए। तो क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट ई कैबिनेट इन द कंट्री, देश में ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, सिक्किम, न्यू दिल्ली, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश। जल्दी से आंसर बताइएगा, आंसर क्या होगा? धर्मेंद्र सिंह जी, थैंक यू सो मच। आरपी के 10 आप कोड अगर यूज करेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सब्सक्रिप्शन के लिए, तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, तो कोई किसी भी कैटेगरीज में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बैंक के अलावा एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, पीसीएस, टीटी, सीटीटी, आईटी, नीट, कोई भी अगर कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड जरूर यूज करिएगा RPK10। जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, तो क्वेश्चन था कि विच कैबिनेट इज द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट ई कैबिनेट इन द कंट्री, देश में ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड, सिक्किम, न्यू दिल्ली, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश। ठीक, देखो बहुत लोगों का आंसर आया है ई नंबर, आप जल्दी से बता दो कि ई नंबर आंसर कितने लोगों ने दिया था। ठीक, इतने लोगों का नाम हम नहीं पढ़ पाएंगे एक साथ, तो आप खुद से हैंड रेज कर दीजिएगा कितने लोगों ने आंसर ई नंबर दिया था, ईमानदारी से बताना। ठीक, ईमानदारी से बताना ई नंबर आंसर कितने लोगों का आया था। क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट ई कैबिनेट इन द कंट्री, अनम अली, रवि प्रताप, कर्ण प्रथम राठौर, अश्विनी कुमार, शिवांगी, उमर खान, उमंग कुमार। चलिए बहुत बढ़िया, तो आंसर नंबर ई कितने लोगों ने दिया था, निकेश कुमार, कालीन भैया, अक्षय कुमार, प्रणव मिश्रा सर जी, नमस्कार सर, रिया मुस्कान, कालीन भैया, इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर, हिमाचल प्रदेश, उमंग कुमार। तो क्वेश्चन था कि किस राज्य की सरकार ने अपने कैबिनेट को पूरा ई कैबिनेट कर दिया, यह भी क्वेश्चन हम आपसे डिस्कशन कर चुके थे। सरकार द्वारा अपना ई कैबिनेट शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश कैबिनेट पूरी तरह से कागज रहित हो गया है। मेमो जारी करने के बाद कैबिनेट की बैठकें आयोजित करने से ठीक पहले राज्य के मंत्री परिषद पूरी टेक्नोलॉजी पर निर्भर होगी। और आपको बता दें कि इस साल जो वर्ष 2021-22 का बजट आया है ये पूरी फुल्ली डिजिटल बजट था, और इंडिया में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि 2021-22 का जो बजट था वो फुली डिजिटल हुआ है। ठीक, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो समर कैपिटल शिमला, विंटर कैपिटल धर्मशाला, चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंदारू दत्तात्रेय। आंसर सही है कालीन भैया, अक्षय कुमार, प्रणव मिश्रा सर जी, रिया मुस्कान, कालीन भैया, उमंग कुमार, उमर खान, सोनम कुमारी ठाकुर, कीर्ति सिंह। अच्छा, प्रणव सर का नाम से कोई स्टूडेंट ही उसे कर रहा, अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, इसी बहाने में सर जी का नाम तो ले लेता हूँ, गुरु है हमारे, वो गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु है नमः। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज प्लानिंग टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइंड फार्म इन द कंट्री, कौन सा देश में दुनिया का सबसे बड़ा पवन फार्म बनाने की योजना बना रहा है? क्वेश्चन ऑप्शन में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ बेलारूस और चाइना। क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्वेश्चन है कौन सा देश में दुनिया का सबसे बड़ा पवन फार्म बनाने की योजना बना रहा है? जल्दी से आंसर बताओ, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ बेलारूस और चाइना। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज प्लानिंग टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइन फार्म इन द कंट्री, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा पवन फार्म बनाने की योजना बना रहा है? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ बेलारूस और चाइना। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कालीन भैया बोले साउथ कोरिया समुद्र में बनेगा, अच्छा इसका आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। तो जल्दी से बता देना बी नंबर आंसर कितने लोगों का था, बी नंबर। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जेन इन शक्तिशाली पवन टर्बाइनों का उपयोग करके अभूतपूर्व 8200 मेगावाट क्षमता कि दुनिया के सबसे बड़े पवन फार्म बनाने की योजना की घोषणा की है। साउथ कोरिया, बता दें इसकी कैपिटल सियोल, करेंसी साउथ कोरियन वॉन और प्रेसिडेंट है मून जे इन।
जल्दी से बताओ इसका आंसर कितने लोगों का सही था। अनामलिया, सुनील कुमार, प्रथम राठौर, शिवांगी, रवि प्रताप, कर्ण, कालीन भैया, पापा का हेलीकॉप्टर, रिया मुस्कान, काजल किरण। पापा का हेलीकॉप्टर जी, आपके सारे सही हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपका सारा सही हो रहा है तो बहुत अच्छा। उमर खान, रिया राज, छोटू बाबू। इसका आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज एड्रेस्ड द थर्ड फेज ऑफ चा बगीचा धन पुरस्कार मेला इन गुवाहाटी। गुवाहाटी में चाय बगीचा धन पुरस्कार मेले के तीसरे चरण को किसने संबोधित किया? नरेंद्र मोदी, सर्वानंद सोनेवाल, निर्मला सीतारमण, हर्षवर्धन और पीयूष गोयल। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हु हैज एड्रेस द थर्ड फेज ऑफ चा बगीचा धन पुरस्कार मेला इन गुवाहाटी। गुवाहाटी में चाय बगीचा धन पुरस्कार मेला के तीसरे चरण को किसने संबोधित किया? अश्विनी कुमार सी, रवि रेणुका सी, रवि प्रताप कर्ण सी, पापा का हेलीकॉप्टर सीतारमन, अंकित अमन पटेल सी, रिया मुस्कान सी, रिया राज सी नंबर, प्रथम राठौर सी, अनम मलिक सी, छोटा बाबू सी, काजल किरण सी नंबर। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन। तो बता दो कि सी नंबर आंसर कितने लोगों का था। गुवाहाटी में चाय बगीचा धन पुरस्कार मेले के तीसरे चरण को किसने संबोधित किया है? नरेंद्र मोदी, सर्वानंद सोनेवाल, निर्मला सीतारमण, हर्षवर्धन और पीयूष गोयल। सबका आंसर सही है, रिया राज, अनम अली, प्रणब मिश्रा। ठीक, आंसर बता दिया सब लोग। आंसर कितने लोगों का सही था? रवि प्रताप, कर्ण, शिवांगी, प्रथम राठौर, काजल किरण, कालीन भैया, दिनेश कुमार, अक्षय कुमार। इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन। ठीक, स्टेट आसाम की बात करें तो इसकी कैपिटल दिसपुर, चीफ मिनिस्टर सर्वानंद सोनेवाल और गवर्नर कौन है तो जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विच बैंक हैज लॉन्च्ड सेविंग अकाउंट स्कीम फेड फर्स्ट, यानी किस बैंक ने फेड फर्स्ट एक बचत खाता योजना शुरू की है? लक्ष्मी विलास बैंक, फेडरल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, सीएसबी और कर्नाटक बैंक। क्वेश्चन का आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है कि विच बैंक हैज लॉन्च्ड सेविंग अकाउंट स्कीम फेड फर्स्ट, यानी किस बैंक ने फेड फर्स्ट एक बचत खाता योजना शुरू की है? ऑप्शन में है लक्ष्मी विलास बैंक, फेडरल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक और सीएसबी बैंक। क्वेश्चन में ये आंसर छिपा हुआ। बहुत बढ़िया रवि प्रताप कर्ण जी, आपका जो हिंट है ना काबिले तारीफ है। तो इसका आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका हिंट काम आ गया। यानी क्वेश्चन था कि विच बैंक हैज लॉन्च्ड सेविंग अकाउंट स्कीम फेड फर्स्ट, बी नंबर आंसर कितने लोग का जल्दी से बताओ। हाँ तो आंसर तो घुमा हुआ भी दिनेश कुमार जी। देखिए क्या होता है ना, क्वेश्चन जितने आते हैं एक मंथ में, चाहे वो हल्का हो चाहे वो टफ हो, हर तरह के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होंगे ऐसे जो कि बहुत कठिन होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि बहुत आसान होगा, इसलिए घबराइए नहीं। कुछ क्वेश्चन आसान है, कुछ क्वेश्चन। ठीक जी, इसका आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक, बी नंबर आंसर कितने लोग का जल्दी से हैंड रेज करो। बी नंबर, प्रथम राठौर, शिवांगी, अनामली, अक्षय कुमार, कालीन भैया, उमंग कुमार, रिया मुस्कान, काजल किरण, कीर्ति सिंह, सचिन प्रताप। कितने लोगों ने आंसर दिया है बी नंबर? बी नंबर आंसर कीर्ति सिंह, सचिन प्रताप, सचिन प्रताप, उमंग, उमर खान, अश्विनी कुमार। इसका आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विशेष बचत खाता योजना फेड फर्स्ट लॉन्च किया है। प्रणब मिश्रा सर जी, रवि प्रताप कंदो जी, आप तो आप हैं। अच्छा, हम तो हम हैं, आप तो आप हैं, फिर हम और आप कौन है पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि हम दोनों रवि प्रताप कर्ण हैं। सी जिनपिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। देखो सेशन में सी जिनपिंग आए हैं आज। भैया चाइना का हालचाल ठीक है ना? सचिन प्रताप जी, तो
लक्ष्मी विलास बैंक की बात करें अगर हम, तो हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु, सीईओ सुब्रमण्यम सुंदर, और टैगलाइंस है द चेंजिंग फेस ऑफ प्रोस्पेरिटी फेडरल बैंक अलुबा केरला, सीईओ श्याम श्रीनिवासन, टैगलाइंस योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। धनलक्ष्मी बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है थ्रिसुर। ठीक, जेके सिवन है सीईओ, टैगलाइन है तन मन धन। सीएसबी बैंक की बात करें थ्रिसुर केरला हेडक्वार्टर। सीबी राजेंद्रन है इसकी सीईओ, टैगलाइन है सपोर्ट ऑल द वे। ठीक, और कर्नाटक बैंक की बात करें तो मैंगलोर है हेडक्वार्टर, महाबलेश्वर एमएस है सीईओ, और योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया इसका टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपिंग अ फ्यूचरिस्टिक हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, कैन दे कैन फ्लाई अननेम फॉर अप टू 3 मंथ। यानी कि कौन सा संगठन भविष्य के उच्च ऊंचाई वाले छद्म उपग्रह विकसित कर रहा है जो 3 महीने तक मानव रहित उड़ान भर सकता है? इसरो, डीआरडीओ, एआई, एचएएल और नन ऑफ दिस। प्रणब मिश्रा सर जी अगर वो कॉपी कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, अच्छा लगा कि आप सेशन में आए यहाँ। भैया मुस्कान जी, डी सी जिनपिंग जी भी लाइव आए और ये कह रहे कोरोना हटाओ देश बचाओ। भाई फैलाया भी तो आप ही ने है। कृति सिंह डी, नमर अश्विनी कुमार डी, कालीन भैया बी, सूरज सिंह डी, कालीन भैया बी, आदित्य नारायण जी। आदित्य नारायण जी, मेंस का जो समय होता है ना, आपको बता दें कि पीटी के एग्जाम के बाद मेंस में बहुत कम टाइम मिलता है। अभी जो आईपीएस क्लर्क मेंस होने वाला है 20 तारीख को, ठीक, उसमें भी आपको ये काम आ जाएगा सेशन। ठीक है, अच्छा, आप लोग बैट खाना बंद कर दे। सी जिनपिंग कह रहे कोरोना नहीं फैले। अरे भाई बैट चमगादड़ कौन खाता है, आप ही लोगों ने भेज दिया इंडिया में। तो इसका जो आंसर होगा आपको बता दे, इसका आंसर हो जाएगा एचसीएल। एचसीएल, शुभरात्रि पापा का हेलीकॉप्टर जी। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर एचसीएल। यानी क्वेश्चन था कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपिंग ए फ्यूचरिस्टिक हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट दैट कैन फ्लाई अननेम फ्रॉम फॉर अप टू 3 मंथ। यानी कौन सा संगठन भविष्य के उच्च ऊंचाई वाले छद्म उपग्रह विकसित कर रहा है जो 3 महीने तक मानव रहित उड़ान भर सकता है? तो इसरो, डीआरडीओ, एआई, एचएएल और नन ऑफ दिस। बताइएगा जल्दी से आंसर क्या होगा। एचएएल डी नंबर आंसर कितने लोगों का था? उमर खान, प्रथम राठौर, अनम अली शिवांगी, रिया मुस्कान। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लो ये किस तरह का होगा। इसी तरह का होगा, ये नासा द्वारा शुरू किया गया है, ये मानव रहित है। ठीक, कोई भी इंसान जो है इस पे बैठा हुआ नहीं है। अक्षय कुमार जी, गुड नाइट। तो क्वेश्चन था नेक्स्ट, हु इज पॉइज्ड टू बिकम द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के अगले महानिदेशक डीजी बनने की ओर अग्रसर है, कौन होगा? इसमें से आंसर बताइएगा। ए बी सी डी और ई। ठीक, अवधेश सारस्वत ए नंबर, शिवांगी ए, कुछ अनमली ए, रवि प्रताप कंड डी नंबर। ठीक, क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, आंसर क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन के अगले महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बनने की ओर अग्रसर कौन है? अमित शाह जी, वेरी गुड इवनिंग। देखो एक पर एक कलाकार लाइव आ रहे हैं। ठीक, पहले रवि प्रताप कंड जी आए, फिर प्रणब मिश्रा सर जी आए, फिर सी जिनपिंग आए, अब आए हैं अमित शाह। बहुत अच्छा, और भी कोई बच्चे हुए तो बुला लो भाई। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा नगोची अकोंजो एलावेला, सॉरी इवेला, नगोची अकोंजो इवेला। यानी आपको बता दें कि रॉबर्ट एजोवेडो जो अभी वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं, उनके जगह पर ये आएंगे।
बताना कि ए नंबर आंसर कितने लोगों का था, ए नंबर आंसर कितने लोगों ने दिया था सही सही। अकोंजो इवेला, कोंजो इवेला जो है डब्ल्यूटीओ के अगले महानिदेशक होंगे। ई नंबर आंसर कितने लोगों का था? सरस्वत, थोड़ी देर मोदी जी आने वाले हैं, चलिए बहुत अच्छा। अनम अली, कालीन भैया, उमर खान, अंकित अमन पटेल, अश्विनी कुमार या मुस्कान, विनय कुमार, सचिन प्रताप। इसका आंसर हो जाएगा नगोची अकोंजो इवेला। आनम अली, अमित शाह, कालीन भैया, उमर खान, अंकित अमन पटेल, अश्विनी कुमार या मुस्कान, विनय कुमार, सचिन प्रताप, शिवांगी, रवि प्रताप, कर्ण, मोटा भाई केमचो। अच्छा, अमित शाह जी। देखिए सी जिनपिंग जी बात करें डायरेक्ट अमित शाह जी से, मुझे तो लगता है ना कि मैं वर्ल्ड बैंक में बैठा हुआ हूँ, हर जगह से लोग आ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। हैदराबाद स्थित मिश्रा धातु निगम लिमिटेड के साथ किस संगठन ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो क्वेश्चन है कि हैदराबाद स्थित मिश्रा धातु निगम लिमिटेड के साथ किस संगठन ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? Which organization has signed MOU with Hyderabad based मिश्रा धातु निगम लिमिटेड? फर्स्ट ऑप्शन है एयर इंडिया, सेकेंड है इसरो, थर्ड है DRDO, फोर्थ है HAL एंड फिफ्थ है AAI। शी जिनपिंग जी, ए नंबर अमित शाह, मुझे मैं अश्विनी कुमार, ई नंबर। क्वेश्चन का आंसर बताओ सब लोग जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? सुनी कुमार ई नंबर, कृति सिंह ई, रिया राज ई नंबर, रिया मुस्कान ई, सोनम कुमारी ठाकुर ई, अवधेश सारस्वत एयर इंडिया, अमित शाह ई नंबर, शिवांगी ई, कालीन भैया ई, प्रथम राठौर ई, रवि रेणुका ई, अनम अली ई। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर HAL, डी नंबर HAL। बताना डी नंबर आंसर कितने लोगों ने दिया है, अभी हम सबका कमेंट पढ़ रहे हैं। प्रथम राठौर जी ई, रवि रेणुका ई, अनम अली ई, रवि प्रताप कर्ण जी, आपने आंसर गलत कर दिया है। सचिन प्रताप ए, विनय कुमार ई, को किसी का आंसर मुझे लग रहा है नहीं इसका सही है, किसी ने डी नंबर आंसर नहीं दिया। कैसे पता, कैसे चलेगा, आपको पढ़ाया था मैंने ये क्वेश्चन, सब गलत है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हु हैज को चेयर्ड द फर्स्ट इंडियन यूरोपियन यूनियन हाई लेवल डायलॉग, यानी कि प्रथम भारतीय यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय संवाद की सह अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, रमेश पोखरियाल निशंक। तो बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है कि हु हैज को चेयर्ड द फर्स्ट इंडिया यूरोपियन यूनियन हाई लेवल डायलॉग। सबका गलत हो गया, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक दो बार रिवाइज करिएगा, याद हो जाएगा फिर से। यानी कि प्रथम भारत यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय संवाद की सह अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी या रमेश पोखरियाल निशंक। पहला आंसर आया विशाल प्रताप सिंह, सी नंबर। आंसर बताइएगा, आंसर क्या होगा? सी जिनपिंग, पीयूष, अश्विनी कुमार सी। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर पीयूष गोयल, सी नंबर पीयूष गोयल। तो बताइएगा सी नंबर आंसर किसका किसका था, सी नंबर आंसर कितने लोगों ने सही सही दिया था सी नंबर? अच्छा, गुरुजी गायब हो गए हैं, थक गए होंगे गुरु जी, देखो ये नाम ही कुछ और रख लिया है, कौन है ये? अनमली, अश्विनी कुमार, रिया राज, अनमली
क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इन्वेस्ट हाउ मच इन गोवा टू डेवलप फिशरीज हब, यानी कि भारत सरकार गोवा के मत्स्य पालन हब विकसित करने के लिए कितना निवेश करेगी? 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़? जल्दी से आंसर बताइएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इन्वेस्ट हाउ मच इन गोवा टू डेवलप फिशरीज हब, यानी कि भारत सरकार गोवा में मत्स्य हब पालन हब विकसित करने के लिए कितना निवेश करेगी? 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़? आंसर आया है सी जिनपिंग जी का, 300 करोड़। बहुत बढ़िया आंसर बताते हो सब लोग, क्या होगा आंसर? सुनी कुमार सी नंबर, कृति सिंह सी, रिया राज सी नंबर, शंभुनाथ मेहता जी सी, रवि प्रताप कर्ण जी सी, संजय ठाकुर जी सी नंबर, कालीन भैया 300 करोड़, प्रथम राठौर सी नंबर। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। और देखो फिर से सबका आंसर गलत है, डी नंबर 400 करोड़ होगा। कितने लोगों ने डी नंबर आंसर दिया है? किसी ने नहीं। यानी कि भारत सरकार गोवा में मत्स्य पालन हब विकसित करने के लिए कितना निवेश करेगी? आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा 400 करोड़। केंद्रीय मत्स्य मंत्री गिरिराज सिंह ने तटीय राज्य को देश में मत्स्य हब बनाने के लिए गोवा में 400 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। सिंह ने यहां निकट डाउन डोना पावला क्षेत्र में राजभवन में पत्रकारों से बात करते हुए गोवा में सबसे अधिक मछली उत्पादन की क्षमता है। अवधेश सारस्वत जी बिल्कुल सही है आपका आंसर। गोवा की बात करें तो इसकी कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और गवर्नर है भगत सिंह कोशियारी। दोस्तों अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया तो लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। और अभी तक जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं किया है वो सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करते आप जाएंगे मैनेज गोल में, गोल सेलेक्ट करिएगा अपना, बैंक, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, पीसीएस, और मेरा रेफरल कोड आप जैसे ही यूज करेंगे RPK10, RPK10 आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट जाएगा। तो मेरा रेफरल कोड जरूर याद रखिएगा RPK10। थैंक यू सो मच अश्विनी कुमार, अंकित अमन पटेल जी थैंक यू सो मच, द फैक्ट थैंक यू, द फैक्ट आपने आंसर नहीं किया आज एक भी। अश्विनी कुमार गुड नाइट, राजीव मिश्रा सर जी जीए मेंटर थैंक यू सो मच सर, राजीव मिश्रा सर जी, प्रथम राठौर थैंक यू सो मच। राजीव सर आप है तब रवि सर है, अन्नम अली सर थैंक यू सो मच, रवि प्रताप कर्ण जी शुक्रिया, देखिए मेरे नाम से ही आए थे ये, अब मुलाकात होगी यहीं। अच्छा हाँ, बिल्कुल मुलाकात होगी रात के 9 बजे लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम चैनल पर। आकांक्षा एस गुड नाइट, कालीन भैया जी 10:30 का क्लास आज नहीं है, कालीन भैया जी सैटरडे संडे, संडे को नहीं होता 10:30 की क्लास, ठीक है। रवि प्रताप कर्ण जी गुड नाइट, कृति सिंह थैंक यू सो मच, रिया मुस्कान जी थैंक यू सो मच, राजीव मिश्रा सर जी थैंक यू सो मच, आपका तहे दिल से शुक्रिया, द फैक्ट। अच्छा अभी ज्वाइन ही किए, कीर्ति सिंह गुड नाइट, राजीव मिश्रा सर जी अरे सर आपने दिल जीत लिया मेरा, रिया राज जी थैंक यू सो मच, शंभुनाथ मेहता जी थैंक यू सो मच, एक राजीव मिश्रा सर जी फॉलो रवि सर एंड सिलेक्शन श्योर, थैंक यू सो सर, ठीक द फैक्ट गुड नाइट, कालिंग भैया जी ओके गुड नाइट, चलिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं कल रात्रि 9 बजे इसी चैनल पर लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम, रात 9 से 10 जो है हम लाइव आते हैं यहाँ पर। आप मुझे मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, रवि प्रताप कर्ण नाम से आप मुझे सर्च कर लीजिएगा, चैनल का नाम याद रखिए। अगर किसी को सेशन का लिंक नहीं मिल पाता है तो लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम चैनल रात के 9 बजे खोलिए, लाइव आप आपको दिख जाएंगे। दूसरी चीज है कि मेरी स्पेशल क्लास होती है डेली मंडे से लेकर सैटरडे तक रात के 10:30 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, और सुबह 7 बजे का मेरा सेशन प्लस का सेशन होता है। ये प्लस के लेक्चर वही लोग देख सकते हैं जिनके पास सब्सक्रिप्शन है, और अभी तक जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया वो जरूर ले लीजिएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करते ही आप जाएंगे मैनेज गोल में, गोल सेलेक्ट करिएगा अपना, बैंक, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, पीसीएस, और मेरा रेफरल कोड आप जैसे ही यूज करेंगे RPK10, आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।